गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 11th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर्स में पहले हम आपको भौतिक जगत के बारे में पढ़ा रहे थे, और भौतिक जगत के बारे में हमने आपको भौतिक जगत का वर्गीकरण समझाया था, जिसमें हमने आपको वर्गीकरण के साथ साथ टाइप ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के प्रकार यानी कि भौतिक भाग, भौतिक जगत को कितने भागों, भौतिक विज्ञान को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया। और लास्ट लेक्चर पर, कल के लेक्चर में मैंने प्रकृति में मूल बल आपको समझाया। आज का जो हमारा चैप्टर टॉपिक है वो मुख्य रूप से है संरक्षण के नियम, प्रकृति में संरक्षण के नियम। और आपको भी बता दूं, ये आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, है ना। तो देखिए, संरक्षण के नियम, संरक्षण के नियम प्रकृति में यानी कि नेचर में, प्रकृति में कहां कहां पर कंजर्वेशन के लॉ फॉलो होते हैं, कहां कहां पर ये बात पता चलती है कि प्रकृति में संरक्षण होता है। कुछ ऐसे संरक्षण के नियम है जो प्रकृति में लगते ही हैं। संरक्षण किसी एक, संरक्षण का मतलब क्या होता है पहले तो हम ये बात करें। कंजर्वेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। संरक्षण का मतलब होता है जितना पूर्व में था उतना ही बाद में, यानी कि कोई नुकसान ना हो। जितना पूर्व में हो किसी भी प्रक्रिया से पहले, जो भी अमाउंट, जो भी मात्रा पहले हो उतना ही प्रक्रिया के पश्चात शेष रहे, वो तो है आपका संरक्षण। तो जिस तरह से चार प्रकृति में मूल नियम बल हैं, उसी तरीके से चार प्रकृति में मूल संरक्षण के नियम होने को तो और भी हैं, पर जिस तरह से बल भी और हो सकते हैं उस तरह से ये भी और हो सकते हैं, बट ये तो है ही, यानी ये तो लगेंगे ही लगेंगे। जिसमें सबसे पहला है नंबर वन, रेखीय संवेग संरक्षण, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? रेखीय संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी अभिक्रिया से पूर्व का रेखीय संवेग बराबर अभिक्रिया के पश्चात का कुल रेखीय संवेग। रेखीय संवेग संरक्षण नियम के अनुसार अभिक्रिया से पूर्व का रेखीय संवेग बराबर अभिक्रिया के पश्चात का रेखीय संवेग, यह है आपका रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। यानी कि प्रक्रिया से पूर्व, प्रक्रिया बोल लीजिए या अभिक्रिया, प्रक्रिया से पूर्व का कुल रेखीय संवेग बराबर प्रक्रिया के पश्चात, प्रक्रिया के पश्चात कुल रेखीय संवेग, प्रक्रिया से पूर्व कुल रेखीय संवेग बराबर है प्रक्रिया के पश्चात कुल रेखीय संवेग। ऐसे नहीं समझ में आएगा, उदाहरण से समझ में आएगा। उदाहरण देते हैं हम आपको, जैसे बंदूक से हम गोली चलाते हैं, कैसे हम ऐसे बंदूक से गोली चला रहे हैं तो गोली आगे की तरफ रहेगी, और बंदूक का जो मतलब उसे अपने कंधों पर रख के चलाते हैं, ऐसे ऐसे निशाना बनाते हैं ऐसे, तो उसका जो हिस्सा होता है वो कंधे पे है ना। ऐसे नहीं चलाते फिल्मों की तरह चला दिए हवाई हवा में, ये तो नियम ही नहीं है बंदूक चलाने का। ठीक है, बंदूक चलाने के लिए जो कंधा होता है वो बहुत मजबूत होना चाहिए चलाने के लिए, या कंधे पर रख के चलाते हैं। कारण क्या है? जब हम बंदूक के ट्रिगर को दबाते हैं, है ना, तो गोली आगे की तरफ जाती है। ठीक है,
जितने में जितने संवेग से गोली आगे जाती है ठीक उतना ही संवेग वो बंदूक को स्थानांतरित करती है, यानी गोली तो जाएगी आगे की तरफ और बंदूक जाएगी पीछे की तरफ। अब गोली आप बहुत वेग से फेंकेंगे उसका संवेग बहुत ज्यादा होगा, बंदूक का भी संवेग बहुत ज्यादा होगा। अब उस संवेग को झेलने के लिए आपको अपने कंधों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कंधे मनुष्य के शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है। तो गोली जिस वेग से आगे आती है, हालांकि बंदूक उतने वेग से पीछे नहीं आती, लेकिन गोली के आगे जाने का संवेग और बंदूक के पीछे आने का संवेग बराबर होता है। ठीक है, संवेग संरक्षण से जितना संवेग गोली दागने से पूर्व होता है उतना ही संवेग गोली दागने के पश्चात होता है। यह है आपका संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, ये इसकी प्रक्रिया है, और इसको हम कोलिजन से यानी टक्कर से भी ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें होता है टक्कर से पूर्व का संवेग बराबर टक्कर के पश्चात का संवेग। बहुत मिलेंगे फिजिक्स में ऐसे उदाहरण। फिजिक्स में रेखीय संवेग संरक्षण के नियम की पालना तो होती ही है, ये मान के चलिए आप। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम तो फिजिक्स में हर हाल में लगेगा। अब मैंने प्रक्रिया लिखी, अभी प्रक्रिया कोई भी हो सकती है, जैसे टक्कर होती है ना, तो टक्कर से पूर्व का संवेग बराबर टक्कर के पश्चात का रेखीय संवेग। कुल मिला के आप ये मानिए कि संवेग जो है वो नुकसान नहीं होता संवेग का, जितना प्रक्रिया से पूर्व का संवेग होता है उतना प्रक्रिया के पश्चात संवेग होता है। ये हम वैसे आगे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम भी है चौथे या पांचवें चैप्टर में, पांचवें चैप्टर में, नए सिलेबस के हिसाब से पांचवें चैप्टर में। तो इसलिए इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा और जिम हां भी अच्छी तरीके से आएगा, कोई दिक्कत। तो ये पहला था रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, आइए आगे चलते हैं। दूसरा है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या बताइए? ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या की जा सकती है, रूपांतरित की जा सकती है, कन्वर्ट की जा सकती है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जाता है ना नष्ट किया जाता है, केवल एक रूप से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदला जा सकता है। अच्छा, मैं आपसे एक उदाहरण मांगता हूं, बिजली कैसे बनाई जाती है? बिजली बनाने के लिए जल को ऊपर से गिराया जाता है, टरबाइन को चलाया जाता है, टरबाइन को चला के फिर शाफ्ट को घुमाया जाता है, फिर शाफ्ट से दो चुंबकों के बीच में रखा हुआ आर्मेचर घूमता है, जिसकी वजह से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और बिजली का उत्पादन होता है। सबने पढ़ा है, एसी जनरेटर प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर भी उत्पादन करता है, और प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर में सबसे पहली लाइन यही थी, यह है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो आया समझ में? ऊर्जा संरक्षण के हिसाब से ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है, बदली जा सकती है, एक रूप से दूसरे रूप में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी को। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट रूपांतरित कर सकते हैं। अब जैसे यहां देख लीजिए, पंखा चल रहा है, पंखा उपयोग तो विद्युत ऊर्जा का कर रहा है, लेकिन ये विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल रहा है, यांत्रिक ऊर्जा में। ट्यूबलाइट चल रही है, ट्यूबलाइट क्या कर रही है, ये विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल रही है, प्रकाश ऊर्जा में। पढ़ा है ना ऊर्जा संरक्षण का नियम छोटी क्लासेस में, तो ये भौतिकी में लगता ही लगता है। आगे समझ में आइए, तीसरा देखते हैं आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम, हाँ जी, आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है, यह भी यही है, आवेश ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं ना नष्ट किए जा सकते हैं,
और किसी भी निकाय का कुल आवेश जो होता है वो सदैव संरक्षित रहता है। आवेशों के बारे में एक बड़ी गलत सी धारणा है, मैं उसको आज सुधार रहा हूं। किसी वस्तु पर धन आवेश है, जैसे मान लीजिए कांच की छड़ है, किसकी छड़ है, कांच की छड़ है, और इस पर धन का आवेश है। कैसा आवेश है? धन का। इससे आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं? और एक सिल्क का कपड़ा ले लीजिए, किसका कपड़ा ले लिया आपने, सिल्क का कपड़ा, उस पर कैसा आवेश है, ऋण का आवेश है। कैसा आवेश है, ऋण का आवेश है। तो क्या समझते हैं, कांच की छड़ पर धन आवेश और सिल्क के कपड़े पर कैसा आवेश, ऋण का आवेश। क्या मतलब है इसका, धनावेश कैसे आ गया कांच की छड़ पर और ऋणावेश कैसे आ गया सिल्क के कपड़े पर? भाई आप ये तो जानते हैं कि आवेश दो तरह के होते हैं, और मैं अभी आपसे कह रहा हूं कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। किसी भी निकाय का कोई भी सिस्टम है उसका जो कुल आवेश रहेगा, किसी भी निकाय का जो कुल आवेश है वो सदैव संरक्षित रहता है, जितना पहले था उतना बाद। तो देखिए सुनिए, किसी पर भी धनावेश, इसका मतलब यह है कि उससे इलेक्ट्रॉन चला गया। किसी भी अभिक्रिया में अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो उस पर धनावेश आ जाता है, और कोई जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है उस पर ऋणावेश आ जाता है। एक से दो इलेक्ट्रॉन चला गया उस पर धनावेश, और जिस पर इलेक्ट्रॉन आ गया वो ऋणावेश। केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन। ध्यान दीजिए, ऑक्सीकरण और अपचयन याद होगा आप लोगों को। कोई भी वस्तु अगर कोई भी तत्व, केमिस्ट्री में कहते थे कोई भी तत्व जिससे इलेक्ट्रॉन चला जाए तो उस पर हो जाएगा ऑक्सीकरण, और जो ग्रहण कर ले वो हो जाएगा अपचयन। आपने एक बात सोची, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होती है। कोई एक अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरे को तो लेना ही पड़ेगा, कारण इस पर पांच धन के आवेश है, इस पर पांच ऋण के आवेश है। इसने पांच इलेक्ट्रॉन दिए, इसने पांच इलेक्ट्रॉन लिए। पहले कितना आवेश था इसके पास, कुछ नहीं, जीरो। बाद में कितना आवेश है, इस पर प्लस का पांच, इस पर माइनस का पांच, कितना हुआ, जीरो। यानी अभिक्रिया से पहले जीरो था और अभिक्रिया के बाद भी जीरो है। कहने को कांच की छड़ पर पांच धन के आवेश है, सिल्क के कपड़े पर पांच ऋण के आवेश है, लेकिन अभिक्रिया में कुल आवेश कितना है, जीरो। यानी संरक्षित है, नुकसान नहीं हुआ। और एक एग्जांपल देता हूं, NaCl सोडियम क्लोराइड क्या बनेगा, Na प्लस Cl बनेगा। Na प्लस मतलब टूट गया है हमें, अभिक्रिया से पहले कितना आवेश है, जीरो। अभिक्रिया के बाद प्लस का एक, प्लस माइनस का एक, या प्लस का एक और माइनस का एक, रिजल्ट क्या आया, जीरो। तो ऐसा तो आपने केमिस्ट्री में जाने कितनी बार किया है, बहुत बार किया आपने केमिस्ट्री में, सर केमिस्ट्री में आपने ऐसा कईयों बार किया है। केमिस्ट्री में जब कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं होती थी तो किसी एक तरफ इलेक्ट्रॉन घटा देते थे, किसी एक तरफ बढ़ा देते थे, कुल मिला के ये है मामला बैलेंस। इसको बैलेंस करना बोलते थे ना, अभिक्रिया को संतुलित करना। क्यों जरूरत पड़ती थी संतुलित करने की, पूछा नहीं कभी आपने, कभी दिमाग नहीं लगाया कि संतुलित क्यों करनी पड़ती है अभिक्रिया, आवेश संरक्षण के नियम के आधार। अगर आवेश संरक्षित नहीं होगा तो वो अभिक्रिया संभव ही नहीं है, यानी प्रकृति में ये नियम तो लगना ही लगना है। जितना अभिक्रिया से पहले आवेश होगा उतना ही अभिक्रिया के बाद होगा, समझ रहे ना। ये है आवेश संरक्षण का नियम, ये है आवेश के संरक्षण की प्रकृति, नियम वगैरह ये सब कुछ। मेरे को लगता है आप लोगों ने काफी अच्छी तरीके से तीनों को देखा और कुछ सीखा होगा कि हाँ सर ये चीजें पढ़ी तो हैं लेकिन कभी किसी ने डिस्कस नहीं किया। भाई छोटी क्लासेस में यानी 10 से नीचे तक की जो क्लास होती है उसमें हम डिस्कस करते हैं लेकिन इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। अब यहाँ क्या है, हम डिटेल में जाएंगे। असल में आया कोई अभिक्रिया बैलेंस के ऊपर नहीं पड़ती थी क्योंकि ये तो नियम ही है प्रकृति में, इन चीजों का तो संरक्षण होना ही चाहिए। अगर संरक्षण नहीं होगा ना तो पॉसिबल नहीं है। यानी अगर आप Na प्लस Cl में अगर Na प्लस 2 लिखते हैं और Cl माइनस लिखते हैं 1 तो वो रिएक्शन ही संभव नहीं है, ठीक है ना। तो ये प्रकृति में संरक्षण के नियम है। एक रह गया है आखिरी बस आपका,
और ये है आपका, मिटा दिया मैंने, चलिए तीसरा था आपका आवेश संरक्षण का नियम, और चौथा है आपका कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। कोणीय संवेग और रेखीय संवेग दोनों में संवेग है, लेकिन एक में कोणीय और एक में रेखीय। रेखीय संवेग की जब बात होती है ना बेटा, इसमें भी वही है कि प्रक्रिया से पूर्व का कुल कोणीय संवेग बराबर प्रक्रिया के पश्चात का कुल कोणीय संवेग, ये भी वही स्टेटमेंट दोनों के सेम ही है, बस ये कोणीय है और ये रेखीय है, बस इस बात को समझना है आपको। इसमें भी आप ऐसे ही लिखेंगे प्रक्रिया से पूर्व पूर्व कुल, प्रक्रिया से पूर्व कुल कोणीय संवेग बराबर प्रक्रिया के पश्चात, प्रक्रिया के पश्चात कुल कुल कोणीय संवेग। प्रक्रिया से पहले कितना कोणीय संवेग था और प्रक्रिया के पास पश्चात कितना संवेग था, बेसिक फर्क यानी कि मूलभूत फर्क यह है कि रेखीय संवेग लगता है रेखीय गति में, यानी कि किसी सीधे पथ पर या किसी तल में गति पर लगता है, और कोणीय संवेग लगता है वृत्ताकार गति में, वृत्ताकार गति करते हुए, यानी ये तो जब पालन होगी इसकी, जब आपकी रेखीय गति होगी, और इसकी पालना तब होगी जब आपकी कैसी गति होगी, वृत्ताकार गति होगी, यानी रेखीय गति करते हुए कण में रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, और वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए कण में कोणीय संवेग संरक्षण का नियम पालना होती है। रेखीय गति में रेखीय संवेग संरक्षण, रेखीय गति सीधे पथ पर हो सकती है, किसी तल में हो सकती है ना, किसी भी जगह पे, वो तो हम जो गति करते हैं वो रेखीय है, फिर वृत्ताकार गति कौन करते हैं। अच्छा तो मुझे बताइए हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है। अगर हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है तो उसमें किसकी पालना होनी चाहिए, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम की। इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चार ओर चक्कर लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाएंगे तो उसमें किसकी पालना होनी चाहिए, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम की। समझ गए ना, तो चार प्रकृति में मूल संरक्षण के नियम है, एक तो रेखीय संवेग संरक्षण का है, एक है ऊर्जा संरक्षण का नियम, एक है आवेश संरक्षण का नियम, और एक है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। आशा करता हूं आपको ये चार, मैंने तो अपनी भरसक प्रयत्न किया है समझाने का, जिसमें से आप इन चारों को बस केवल एक तीसरा वाला जो है जिसको आप 12वीं क्लास में पढ़ेंगे, इसको आप 12वीं क्लास में पढ़ेंगे, और ये भी 11th में पढ़ना है, ये भी 11th में पढ़ना है, और ये भी 11th में ही पढ़ना है, यानी कि तीन संरक्षण के नियमों का सामना तो इसी साल हो जाना है। तो प्रकृति में चार तो मूल बल कौन कौन से, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय, नाभिकीय, प्रबल नाभिकीय, दुर्बल नाभिकीय। उसी तरीके से प्रकृति में चार संरक्षण के नियम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है ना। तो अब आपका ये चैप्टर जो फिजिकल वर्ड था वो समाप्त हो चुका है। इस चैप्टर में जो मुख्य मैं आपको बता दूं, जो मुख्य चीजें थी वो थी, एक तो भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण दो भागों में, चिरसंबंध भौतिकी और आधुनिक भौतिकी, उसकी कुछ शाखाएं। दूसरी बात थी प्रकृति में मूल बल कौन कौन से प्रकृति में, और तीसरी बात थी प्रकृति में संरक्षण के नियम। और तो ज्यादा कुछ पेपर में इसमें आता नहीं है,
और ये थ्योरी बेस्ड चैप्टर था, बहुत छोटा सा चैप्टर है, किताब में भी 2-2.5 पन्ने का चैप्टर है, लेकिन ऐसा और कोई चैप्टर नहीं है, एकमात्र यही चैप्टर है, समझ रहे हैं ना, एकमात्र यही चैप्टर है जो छोटा है इतना, बाकी सब चैप्टर तो आपके थोड़े थोड़े बड़े हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपका छोटा चैप्टर है, एकमात्र जो ये चैप्टर है वो आपका छोटा है, बाकी तो सब थोड़े थोड़े मॉडरेट साइज के थोड़े बड़े बड़े चैप्टर हैं। तो आशा करते हैं आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, चैप्टर फिनिश हो गया है इसलिए अपना वीडियो भी हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल जो है यानी हम जो है वो आपको फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जो मुख्य है, फिजिक्स है जो सही मायनों में भौतिक विज्ञान है, उस पर स्टार्ट करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।